हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम डोनट बनाएंगे, बहुत आसानी से बनाएंगे और बहुत जल्दी बनाएंगे और बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है ये आज। इसीलिए आज हम डोनट बनाएंगे। ये देखिए, मैंने ओरियो बिस्किट लिए हैं, 3 बिस्किट के पैकेट लिए हैं। आप क्वान्टिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं इसमें थोड़े से ही बनाऊँगी। और ये देखिएगा, इस तरह से मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। देखिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जार लेंगे, उस जार में हम इसको डाल के इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। और इसकी क्रीम अलग नहीं करनी, क्रीम सही थी, इसका पाउडर बना लेंगे, जिससे कि हमारे डोनट जो हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। ये देखिएगा, मैंने इसका फाइन सा पाउडर बना लिया है और जो भी इसमें आपका बिस्किट बचा है आप उसको निकाल लीजिएगा। मैंने देखिएगा, इसको बिल्कुल ही अच्छा सा फाइन सा पाउडर बना लिया है। आप इसको हम साइड में रख देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, मैंने ली है अमूल डार्क कंपाउंड चॉकलेट और इससे को हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट करना मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब अपना ये लेंगे फाइन सा पाउडर जो हमने बिस्किट का बनाया था, और थोड़ा सा हम दूध लेंगे। दूध हम रूम टेम्परेचर का लेंगे, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम इसको गूंदेंगे, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं ना, इसी तरह से इसको हम गूंदेंगे। बस हमें पतला नहीं बनाना है, थोड़ा टाइट सा ही रखना है। इसलिए आप देखिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ जिस तरह से, आप इस तरह से करिएगा। देखिएगा, हमारा दूध भी बहुत थोड़ा सा लगा है, इसमें ज़्यादा दूध नहीं लगा है। ये देखिए, इस तरह से आपको गूंद लेना है। ये देखिएगा, जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से बहुत सॉफ्ट सा हो गया है ये। और जितने बड़े आपको डोनट बनाने हैं उसी तरह से आप अपने साइज़ ले लीजिएगा। और इस तरह से इसको गोल सर्कल बनाएंगे, गोल गोल करेंगे पहले, और फिर इसको प्रेस करेंगे दोनों हाथों से इस तरह से। और इसमें फिर उंगली की सहायता से इसमें हम एक छेद करेंगे बड़ा सा, जैसे डोनट में होता है ना, इसी तरह से। और इसका शेप बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे हम। और याद रहे, साइडों से भी अच्छे से हल्के से प्रेस कर लेना है, जिससे कि हमारे ये टूटे नहीं। इसे बहुत अच्छे से प्रेस करें। और देखिएगा, इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। देखिए, मैंने एक बना के दिखाया आपको, और इसी तरह से मैं और भी बाकी के बना लूँगी। ये देखिए, मैंने बना लिए हैं, मैंने बड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 5 बनाए हैं। आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं, छोटा बड़ा साइज़ आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, 2 से 3 मिनट तक सेट हो जाएगा ये। और उसके बाद हम अपनी चॉकलेट इसमें मेल्ट कर लेंगे। ये देखिएगा, मैंने इसको चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है डबल बॉयलर बर्तन में, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ पहले के। उसके बाद हम अपने डोनट निकाल लेंगे। देखिएगा, ये हमारे थोड़े सेट हो गए हैं, हमने इसे फ्रिज में रख दिया था। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक फॉर्क ले लेंगे। इस फॉर्क की हेल्प से इस तरह से इसको उठाएंगे ताकि ये हमारा टूटे नहीं, इसलिए बहुत ही आराम से इसे उठाना है। और इस तरह से इसे इसमें रखना है, और इस तरह से इसके ऊपर चॉकलेट डालनी है हमें। देखिए, और फिर उसको आराम से निकालिए ताकि ये टूटे नहीं, इसीलिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, इसीलिए आप इसे आराम से निकालें। ये देखिएगा, मैंने एक स्पून में उसे उठा लिया है, बड़ी स्पून से। और उसके बाद हम इसे प्लेट में करेंगे। देखिए, और बहुत ही आराम से इसे रखना है ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। और इसी तरह इसको बहुत ही आराम से इसे प्लेट में रखिएगा। ये देखिए, इस तरह से, इसी तरह से मैं सारे के सारे इसे रख लूँगी। ये देखिएगा, मेरी प्लेट में 4 आए हैं, ठीक है। और मैंने चारों को ने रख लिया है इस तरह से। देखिए, है ना बहुत आसान बनाना और झटपट बनने वाला। और थोड़े से मैंने इसमें कलरफुल चॉकलेट ली है, ये देखिए, इस तरह से इसको हम लगा लेंगे। मैंने सिल्वर ली है
और थोड़ी सी मैंने इसमें कलरफुल ली है, ये देखिए थोड़ी सी इसमें कलरफुल डाल देंगे। देखिए लग रहे ना देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मार्केट की तरह, और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है ये वीडियो। इसी तरह से ये देखिए आप इस आपके पास जो है आप उससे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे दोनों तरह से डेकोरेट कर दिया है अच्छे से, और ये देखिए ये बन के तैयार हो गए हैं आज के। देखिए हो गए ना बन के तैयार डोरा डोनट। ठीक है, ये देखिए मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।